नूरपुर के आर्य डिग्री कॉलेज में विद्यार्थी परिषद द्वारा की गई हड़ताल आज दूसरे दिन में प्रवेश करके विद्यार्थी परिषद द्वारा दूसरे दिन भी कॉलेज पूर्ण रूप से बंद रखा गया। एबीवीपी के नगर अध्यक्ष रवि कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉलेज में स्टाफ की कमी के कारण हमें हड़ताल करनी पड़ी है। एबीवीपी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि कॉलेज में जल्द से जल्द स्टाफ को पूरा किया जाए ताकि बच्चों का भविष्य खराब न हो। बच्चे काफी दूर दूर से आते हैं और कॉलेज में पूरा स्टाफ न होने की वजह से विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार और कॉलेज प्रशासन से यही मांग की है कि कॉलेज स्टाफ की कमी को दूर किया जाए। आज कुछ कॉलेज के आज ये मुद्दा उठाया है क्योंकि हमारे डिग्री कॉलेज तो हम कहते हैं कि प्रदेश सरकार से भी विनती करते हैं कि हमारे कॉलेज में जल्द से जल्द टीचर आए और बच्चों का भविष्य ना खराब हो, क्योंकि बच्चे कई कई दूर से आ रहे हैं, कोई कहाँ से आ रहा है कोई कहाँ से आ रहा है, तो इसके कारण टीचरों के यहाँ पे ना होने से बच्चों की काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं प्रदेश सरकार से और कॉलेज प्रशासन से विनती करता हूँ कि वो जल्द से जल्द हमारे कॉलेज में टीचर लाए। कॉलेज की एबीवीपी की छात्रा ने बताया कि कॉलेज में हड़ताल तब तक रहेगी जब तक कि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, तब तक कोई भी छात्र छात्राएं कॉलेज के अंदर नहीं जाएंगे। चलेगी जब तक हमारी टीचर मांग नहीं सुनेंगे, अगर जब तक टीचर नहीं सुनेंगे हमें इसी प्रकार से ये स्ट्राइक चलती रहेगी, कोई भी बच्चा अंदर नहीं जाएगा। एबीवीपी के छात्र प्रमुख मनु ने बताया कि स्टाफ की कमी के कारण पिछले कल से कॉलेज में हड़ताल चल रही है, अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो लगातार हड़ताल जारी रहेगी। कार्य अध्यक्ष मनु सिंह, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, इन्होंने स्ट्राइक की है क्योंकि इसलिए की है क्योंकि टीचरों के लिए की है और दो दिन स्ट्राइक चली है लगातार, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो लगातार स्ट्राइक चलेगी। धन्यवाद। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुणा शर्मा ने बताया कि कॉलेज में पिछले कल से विद्यार्थी हड़ताल पर हैं क्योंकि उनकी जो मांग है वो ये है कि कॉलेज में स्टाफ की बहुत कमी है। उन्होंने बताया कि कॉलेज में बच्चों की संख्या लगभग 2,250 है लेकिन अध्यापक काफी कम है जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में बहुत बाधा आ रही है। बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, कॉलेज पहुंचने पर उनकी कक्षा नहीं लगती तो विद्यार्थियों को व अभिभावकों को काफी परेशानी होती है। विद्यालय में पिछले कल से स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्राइक पर हैं क्योंकि इनका जो स्ट्राइक का एजेंडा है मेन ये है कि कॉलेज में पोस्ट बहुत वेकेंट हैं, जैसे कि मैथ्स में यहाँ पर कोई टीचर नहीं है, तीन पोस्ट है तीनों वेकेंट हैं, ज्योग्राफी में सिंगल पोस्ट है और वो वेकेंट है, और इसके अलावा हिस्ट्री में जो है वो एक ही पोस्ट है वो वेकेंट है, इकोनॉमिक्स में दो पोस्टें हैं उनमें से एक वेकेंट है, पॉल साइंस में दो हैं उनमें से एक वेकेंट है, और उसके अलावा केमिस्ट्री में भी एक पोस्ट वेकेंट है। तो बच्चों को यहाँ पर लगभग स्ट्रेंथ जो है वो 2,250 के आसपास है लेकिन टीचर्स जो है वो काफ़ी कम हैं, तो जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई में बहुत बाधा आती है और स्टूडेंट्स जो है वो बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, लेकिन कॉलेज में आने पर जब उनकी कक्षाएं नहीं मिलती है तो स्टूडेंट्स भी और उनके जो पेरेंट्स हैं सभी परेशान होते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स जो है वो इसी मेन इसी मांग को लेकर जो है वो स्ट्राइक करते हैं।